अस्सलाम वालेकुम, आपको ये लेना है जो देख रहे हैं इसका, ये टूट गया दांत, फिर इसको वाइस में इस तरीके से फंसाना है, फिर ड्रिल मशीन की मदद से चार होल कर देना है। ये देखें कुछ इस तरीके से होल कर देना है आपको, ये देखें ये चार होल हो गया, फिर इसको वाइस से इस तरीके से निकालना है। निकालने के बाद ये देखिए होल हो गया, ये दांत टूटा हुआ है ना, इस तरीके से पीवीसी पाइप लेना है, फिर आपको इस तरीके से पेंसिल या पेन से निशान लगा देना है गोल इस तरीके से, फिर वाइस में इस तरीके से फंसाना है, फिर हैक्सो ब्लेड की मदद से इस तरीके से आपको कट कर देना है। ये देखें ये कट हो गया, फिर आपको रेगमाल से इस तरीके से घेस देना है ताकि ये मतलब चिकना हो जाए, फिर वाइस में इस तरीके से फंसाना है, फिर हैक्सो ब्लेड की मदद से इस तरीके से आपको इसको काट देना है। ये देखें ये कट गया, फिर वाइस से इस तरीके से आपको निकाल देना है, फिर इसको अच्छे से रेगमाल से इसको घेस देना है अच्छे से। ये देखें ये घिसाई हो गया, मतलब क्लीन हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। फिर आपको इसके दांत में इस तरीके से फंसाना है, फिर किसी बोल्ट में इस तरीके से लगा के स्क्रू से टाइट कर देना है। ये देखें ये टाइट हो गया, फिर इसमें हॉट गन ग्लू भरना है कुछ इस तरीके से। ये देखें लगा दिया, फिर आपको ये पेचकस की मदद से जहाँ से निकला है सबको साफ कर देना। ये देखिए फिर इसको पेचकस की मदद से इसको हटाना है। ये देखिए कुछ इस तरह पीवीसी पाइप को हट गया, फिर आपको इस तरीके से ये ब्लेड से इस तरीके से कट कर देना है ताकि जो ऊपर से, फिर इसको स्क्रू से इसको आपको खोल देना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए खुल गया, फिर इसको निकालना है। निकालने के बाद फिर इसको ये हॉट गन ग्लू जो है ग्लू को, फिर ये आपको टेप लेना है एल्युमिनियम टेप, ये आपको बुक स्टॉल से मिल जाएगा, फिर इसको बोर्ड में इस तरीके से चिपकाना है। चिपकाने के बाद फिर इसको इस तरीके से स्क्रू से इसको टाइट कर देना है, फिर इसको ये देखिए दांत जैसे निकाला था वैसे ही लगा देना। फिर ये जो है खाने का सोडा है कुछ इस तरीके से आपको इसके होल पे डालना है, फिर इसको अच्छे से हिला देना, फिर ये ग्लू डालना है मतलब एल्फी है, ये एल्फी को अच्छे से डालना है, फिर इसमें ये खाने का सोडा डालना है, फिर अच्छे से हिला देना, फिर ग्लू डालना मतलब एल्फी डालना है, फिर इसमें ये खाने का सोडा डालना है, फिर अच्छे से एल्फी डाल देना, बिल्कुल बराबर हो जाए फिर छोड़ना है, फिर इसमें खाने का सोडा डालने के बराबर हो गया स्प्रे मार देना है। ये देखिए फिर इसको ब्लेड की मदद से इसको कट कर देना है, फिर स्क्रू खोलना है इसको, फिर अच्छे से पिचके से मारे निकल जाएगा। देखिए निकल गया, फिर इसको कट नोज प्लास से इस तरीके से निकल, देखिए कैसा दांत बन गया, ओरिजिनल हो गया टूटा चीज़। फिर अगली वीडियो में आपको ये बर्निंग का ढक्कन लेना है, फिर इसमें ग्लू एल्फी डालना है इस तरीके से, एल्फी डालना है, फिर ये स्क्रू को इस तरीके से लगाना है मतलब नट बोल्ट को इस तरीके से लगाना है, फिर इसमें एल्फी आपको डालना है अच्छे से डालने के बाद, फिर इसमें खाने का सोडा इस तरीके से आपको डालना है कुछ इस तरीके से। ये देखें भर देना है बिल्कुल, भरने के बाद फिर अच्छे से झाड़ लें, फिर इसमें आप एल्फी डालें। ये देखें ये एल्फी डल गया, फिर इसमें आप खाने का सोडा डालें कुछ इस तरीके से। देखिए बिल्कुल लोहा हो जाएगा बिल्कुल ये माशाल्लाह से। देखिए डालने के बाद फिर इसमें आप एल्फी डालें, ये देखिए हो गया बिल्कुल सख्त हो गया, पत्थर हो गया मतलब। फिर इसको बर्नी में इस तरीके से लगाएं, फिर इसमें नट बोल्ट टाइट करें मतलब लगा दिया, फिर देखिए बट्टा है ये मतलब लोहे का मतलब वेट, फिर इसमें देखिए हैंग कर रहे हैं, देखिए कोई असर नहीं हो रहा है, कैसा मतलब वेट को इतना वेट भारी वेट 3-4 किलो का बट्टा है ये देखिए, इतना बेहतरीन हो गया। इसमें हथौड़ी भी मार रहे तो नहीं टूट रहा, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगली वीडियो ये है, ये किचन में जो लगता है आप कल्ला पल्ला के, देखिए होल जो इतना बड़ा हो गया है, देखिए इसको भरना है मतलब इसको मतलब हिल रहा था, ये कब्जा कहलाता है, ये हिल रहा था। इसमें भी एल्फी डालना है, एल्फी डालने का खाने का सोडा डालना है कुछ इस तरीके से, फिर इसमें एल्फी डालें, एल्फी जब डालेंगे तो देखिए अंदर चला जा रहा है खाने का सोडा, फिर इसमें खाने का सोडा डालना है, फिर स्प्रे मारना है, फिर इसमें एल्फी डाल देना है, हो गया। ये देखिए एल्फी डालने के बाद ये देखिए हो गया बिल्कुल पत्थर हो गया, वो सख्त हो गया बिल्कुल। देखिए फिर इसको अच्छे से इसका सफाई कर देना पिचकस की मदद से कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये सफाई हो गया, सफाई होने के बाद फिर आपको वो कब्ज़ा को इस तरीके से रखना है, फिर इसको पेंसिल से निशान लगा के फिर इसको ड्रिल मशीन की मदद से इस तरीके से होल कर देना है। ये देखिए ये होल हो गया, फिर आपको ये कब्ज़ा लगाना है, कब्ज़ा लगाने में स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर वकास अहमद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।